आप अगर वीडियोस रिकॉर्ड करते हो या फिर टॉकिंग हेड वीडियोस बनाते हो और उसके लिए एक अच्छा सा हाई क्वालिटी वायरलेस माइक देख रहे हो, सो आज की वीडियो हम रिव्यू करेंगे सोनी का ECM-W2BT माइक्रोफोन। और उसी के साथ में हमारे पास में इसका स्टीरियो लेवलियर माइक्रोफोन जो कि ECM-LV1। सो इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, इसके फीचर और इसके ऑडियो क्वालिटी टेस्ट भी। और ये वाला माइक्रोफोन मैं अराउंड 8 to 9 months से यूज कर रहा हूँ जो कि काफी अच्छी ऑडियो क्वालिटी देता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो ये वाला जो माइक है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसे पहले अनबॉक्सिंग कर लिया था, लेकिन अभी मैंने फिर से इसमें माइक्रोफोन वगैरह सब डाल दिया जो भी इसके साथ आया था। हम इसे वापस अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको मैं दिखा दूँ इसमें हमें क्या क्या आता है। सो इसमें हमें पाउच मिलता है, ये पाउच के अंदर हमारे जो भी इक्विपमेंट्स है माइक वगैरह वो इसके अंदर मिलते हैं। फिर उसी के साथ में इसके अंदर हमारे कुछ वारंटी कार्ड या फिर यूज़र मैनुअल मिलता है। सो ये हमारा जो मेन माइक्रोफोन, इसके अंदर रिसीवर भी है और माइक भी है। ये एक विंडशील्ड भी मिल जाती है जो कि नॉइस रिडक्शन के लिए जो यूज़ होंगे। तो रिसीवर से और कैमरा से अटैच करने के लिए ऑक्स केबल मिल जाती है, USB केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए। सो हमारा स्टीरियो माइक्रोफोन है, हमें इसके अंदर एक ये लेवलियर माइक मिल जाता है जिसमें भी काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स है, लेकिन ये आप दोनों एक साथ में यूज़ करोगे तभी ये रहना। सिर्फ अलग से स्टीरियो लेवलियर माइक अपने कैमरा या फिर वायर के थ्रू आप यूज़ करोगे तो ये वाला माइक्रोफोन मत लेना, क्योंकि इसका वायर जो डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटा आता है। सो इस माइक्रोफोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें यार काफ़ी सारे फीचर्स मुझे बहुत सही लगे। सो इसका जो रिसीवर है उसमें हमें दो मोड्स देखने मिल जाते हैं, एक डिजिटल मोड और एक एनालॉग मोड। सो डिजिटल मोड की बात करें तो आप कोई भी सोनी का कैमरा यूज़ कर रहे हो, डिजिटल कैमरा के ऊपर इसे लगा दोगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप अदर देन सोनी कैमराज पर इसे यूज़ करते हो तो आपको एनालॉग मोड पर इसे सेट करना पड़ेगा, और उसके साथ में हमें वायर दिया गया है उससे कनेक्ट करके हमें इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाजू में हमें एक और एक बटन देखने मिलता है जो कि इस पर लिखा है रिसीवर, माइक्रोफोन और मिक्स। अब इस माइक्रोफोन में हम दोनों से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोफोन और रिसीवर से भी। अब जैसे कि हमें कोई पॉडकास्ट वगैरह शूट करना है या फिर इंटरव्यू लेना है तो हमें इसका बटन हम सेट कर देंगे मिक्स पर, जिससे कि माइक्रोफोन और रिसीवर दोनों से भी वॉइस रिकॉर्ड होगी। फिर इसके साइड में आ जाता है एक माइक्रोफोन वाला बटन जो कि वॉइस रिकॉर्ड होगी वो सिर्फ माइक से रिकॉर्ड होगी, और जो रिसीवर वाला बटन है अगर हम उसे उस पर सेट कर देंगे तो सिर्फ रिसीवर से ही वॉइस रिकॉर्ड होगी। सो रिसीवर के फिर दूसरे साइड में भी हमें कुछ पोर्ट्स देखने मिलते हैं, जैसे कि एक चार्जिंग पोर्ट और दूसरा वाला 3.5mm का जैक जो कि कैमरा को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। फिर इसके माइक्रोफोन की बात करें तो इस पर भी दो बटन है, एक ऑन ऑफ का है, और उसी के नीचे हमें मिल जाता है इसके थोड़े से कंट्रोल्स जो कि वॉइस कंट्रोल करने में यूज़ होता है, 0 dB, 10 dB एंड 20 dB, जिससे कि हम वॉइस मैनेज कर सकते हैं। अब जितना ज़्यादा डीबी रहेगा उतना नॉइस रिडक्शन ज़्यादा होगा, और इसमें हमें एक चार्जिंग पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। सो अब हम इसकी थोड़ी वॉइस की टेस्टिंग कर लेते हैं। सो अब इस माइक को टेस्ट करने के लिए यार मैंने इसकी सेटिंग 0 dB पर कर दी है, और रिसीवर पर हमारे जो सेटिंग है वो है माइक के ऊपर और डिजिटल मोड में, और मैंने इस रूम का फैन भी ऑन कर दिया है जो कि यार हमें नॉइस रिडक्शन कितना होता है इसका पता लग जाएगा। सो अभी ये 0 dB पर सेट है। सो मैं अभी थोड़ा डिस्टेंस दूर भी जाता हूँ और इसका जो dB है वो भी चेंज करते हैं हम। सो अभी इसकी सेटिंग लगभग 10 dB पर हो चुकी है और मुझे पता नहीं इसका कितना नॉइस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सो अब मैंने इसकी सेटिंग 20 dB पर कर दी है और अभी अच्छा खासा नॉइस रिड्यूस हो चुका होगा, और मेरे ऊपर ही फ़ैन है जो जिसमें कि फ़ैन की वॉइस भी आ रही होंगी जो कि अच्छी खासी लेवल की रिड्यूस हो रहे होंगे, और ये वॉइस कोई भी एडिटेड नहीं है, डायरेक्टली माइक के थ्रू आ रही है। सो इस तरीके की इसकी क्वालिटी और काफ़ी अच्छी है, और आपको इसे क्रिस्पी और क्लियर भी करना है तो आप थोड़ा बहुत प्रीमियर प्रो में इसमें एडिट भी कर सकते हो। अब हम इसका स्टीरियो लेवलियर माइक भी टेस्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले यार मैंने जो हमारा माइक्रोफोन था जो BTW का माइक्रोफोन, इस पे का मैंने विंडशील्ड है वो मैंने निकाल लिया है। सो यहाँ पर आपको कुछ एक दो पोर्ट्स दिखेंगे जो कि 3.5mm का जैक है, उसे आपको यहाँ पर प्लग इन कर देना है। सो हमारा स्टीरियो लेवलियर माइक भी कनेक्ट हो चुका है, अभी आप दोनों से रिकॉर्ड कर सकते हो, सेम ही वॉइस आ रहे होंगे दोनों से। मतलब जैसे कि ये वाला जो हमारा माइक्रोफोन है ये आपको कहीं पर भी आप इसके अपने पॉकेट में रख सकते हो, और ये जो स्टीरियो लेवलियर माइक आप इसको अपने कॉलर पर भी लगा सकते हो। अभी जो आप ये वॉइस सुन रहे हो ये स्टीरियो लेवलियर माइक से आ रही है जो कि यार आई होप लगभग सेम ही होगी, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इन दोनों के प्राइसिंग की बात की जाए तो ये स्टीरियो लेवलियर माइक अराउंड 2000 rupees के आसपास आ जाता है, जो हमारा ECM-W2BT माइक्रोफोन है वो अराउंड 15,000 rupees के आसपास कॉस्ट करता है। सो आप अगर बिगनर हो यार, अभी स्टार्ट किया है वीडियोज़ बनाना, तो आप इसमें इन्वेस्ट मत करना। आप इसके बजाय एक बोया का BY-M1 माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है। सो मैं भी वही पहले यूज़ करता था। आई होप यार आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।